जामताड़ा के गांधी मैदान में गौ कथा का वाचन करने पहुंचे मुस्लिम कथावाचक मोहम्मद फैज खान ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि वो गौ सेवा से ही विश्व का कल्याण संभव है। फैज खान ने कहा कि गौ रक्षा का संदेश इस्लाम में भी दिया गया है। जब हम व्यवहारिक रूप से गौ सेवा करते हैं तो हमें पता चलता है कि गौ का रक्षक कौन है और गौ का भक्षक कौन है। गौ रक्षा में सभी धर्म समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं और गो के भक्षण में भी सभी धर्म समुदाय के लोग जुड़े हुए हैं। और जब हम प्रैक्टिकली गो सेवा करते हैं तो पता चलता है, और जो प्रैक्टिकली गो सेवा कर रहे हैं वो अच्छे से जानते हैं। बहरहाल आपका कहना सही है कि छवि यही है कि मुसलमान गो हत्या करता है या गोमांस खाता है और हिंदू गो को माता मानता है। एक मोटी मोटी बात यही चली आ रही है। तो जाहिर सी बात है, दाग यदि मुसलमानों के दामन पे लगा है तो उसको धोने का काम भी मुसलमान को करना ही पड़ेगा। हम यही काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ कट्टरपंथी लोग मुसलमानों में भी हैं, वो विरोध करते हैं। उनको लगता है ये काफिरों का काम है, ये तो हिंदू हो गया है, तो वो लोग विरोध करते हैं। उन्हीं को समझाने के लिए हमने गाय और इस्लाम नाम की पुस्तक लिखी है और ये बताया है कि गो रक्षा का संदेश इस्लाम में भी दिया गया है। पैगम्बर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के बाद जिनका सबसे ऊंचा स्थान है इस्लाम धर्म में, उन्होंने कहा, पैगंबर मोहम्मद ने ये बात कही, गाय का दूध पियो क्योंकि हर किस्म के दरख्तों पर चरती है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है।